हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली अबाउट द कोर्स सिलेक्शन। सो बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आज ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चंस का आंसर हम करें। ओके, तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द क्वेश्चन इज डिप्लोमा इन डीएस वर्सेस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे को पूछा गया कि क्या सब्जेक्ट्स लिया जाए। मेरा फाउंडेशन खत्म हो चुका है, अब आगे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या सब्जेक्ट्स लें, क्या हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, डिप्लोमा पहले करें कि डेटा साइंस पहले करें, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो उसी पर हम बात करेंगे आज। सो बेसिकली पहले बात करते हैं कि लाइक डिप्लोमा इन डेटा साइंस और जो प्रोग्रामिंग है उनमें कोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा साइंस है पर्टिकुलर, ठीक है, उसमें हमारे पास कोर्सेज क्या क्या हैं। हमारे पास मशीन लर्निंग फाउंडेशन है, ठीक है, देन मशीन लर्निंग टेक्निक्स है, फिर प्रैक्टिस। ठीक है, ये तीनों मशीन लर्निंग के कोर्सेज हैं, तीन हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है बीडीएम। ठीक है, बीडीएम दैट इज बिजनेस डेटा मैनेजमेंट, देन बीए बिजनेस एनालिटिक्स एंड देन टूल्स फॉर डेटा साइंस। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं ये दो। ठीक है, जो कि बेसिकली इनका थियोरी हमें करना होता है, उसके बाद ही हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो बीडीएम का एक जो ये हमारा थियोरी कोर्स है, ये सारे थियोरी कोर्सेज है। ठीक है, तो बीडीएम का जैसे हमारे पास ये थियोरी कोर्स है, तो इसका एक प्रोजेक्ट भी हमारे पास। तो पहले हम थियोरी करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या फिर थियोरी एंड प्रोजेक्ट साथ में कर सकते हैं, राइट। देन मशीन लर्निंग का भी क्या है, मशीन लर्निंग प्रैक्टिस MLP जो ये है हमारा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसकी भी हम थियोरी एंड प्रोजेक्ट साथ में कर सकते हैं, या थियोरी पहले करके उसके बाद प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हम प्रोजेक्ट कर ले फिर थियोरी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ये तो था डिप्लोमा इन डेटा साइंस का। हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या क्या कोर्सेज हैं, हमारे पास प्रोग्रामिंग में ये सारे कोर्सेज है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, देन PDS है जिसको कहते हैं, है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ना। देन हमारे पास है MAD1, उसके बाद प्रोग्रामिंग जावा, देन MAD2 एंड देन सिस्टम कमांड। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमारे पास एक MAD1 का प्रोजेक्ट है, हमारे पास MAD2 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो टोटल डिप्लोमा में हमारे पास कितने कोर्सेज हैं, 6 ऑफ प्रोग्रामिंग, 6 ऑफ योर डेटा साइंस, तो टोटल हमारे पास 12 कोर्सेज हैं, राइट, एंड 4 हमारे पास क्या हैं, प्रोजेक्ट्स। ओके, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ तो तुम्हें पता है डिस्कोर्स हमारा एक फोरम है, ठीक है, तो उस पर सर्वेस वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारे जो बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, उनका फीडबैक लिया गया कि बताओ तुम रेटिंग दो कि बेसिकली कौन सा कोर्स कितना हार्ड है, क्या है समथिंग। ठीक है, तो वहाँ से हमें ये पता चला कि प्रोग्रामिंग में ये कोर्सेज की रेटिंग है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, डिफिकल्टी के बेसिस पे। ठीक है, सो डिफिकल्टी के बेसिस पे सबसे हार्ड इन प्रोग्रामिंग की बात करें तो PDS है हमारा सबसे लाइक चैलेंजिंग है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोजेक्ट है MAD2 का, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कहा। देन MAD2 की थियोरी, ओके, देन हमारा MAD1 का प्रोजेक्ट, एंड देन सिस्टम कमांड, जावा, DBMS एंड MAD1। ठीक है, MAD1 सबसे इजी बताया गया है, ठीक है, थियोरी में, ओके, एंड MAD1 का प्रोजेक्ट इज 3.63 समवेयर। ठीक है, सेम डेटा साइंस में हमारा सबसे डिफिकल्ट जो बताया गया है MLT को बताया गया है, देन MLP को बताया गया, देन BDM के प्रोजेक्ट को बताया गया, जबकि आई डोंट थिंक BDM का प्रोजेक्ट इतना कुछ हार्ड है। देन MLF को बताया गया 3.32 की है, ठीक है, एंड देन MLP का प्रोजेक्ट है, एंड देन ये BA BDM है TDS। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी लेवल है। इसके बेसिस पे मैंने क्या करा कि मैंने ट्राई करा कि मैं एक हार्ड और एक ईजी कॉम्बिनेशन लेके बनाऊँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन की हमें क्या लेना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं डिसाइड करूँ एक अच्छा सा रोड मैप। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं बैठ के बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगाने लगा इस पर कि हम क्या ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वट कॉम्बिनेशन यू शुड टेक। ठीक है, तो इससे बात करने से पहले हमारे पास दो लोग होते हैं, ठीक है, एक हमारा जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, ठीक है, एक हमारा जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, कहने का मतलब क्या है, एक जिनके पास मैथमेटिक्स शुरू से है, ठीक है, तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, दूसरा जो मैथ्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर एक और लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल है, जो लाइक मैथ्स अब उतना नहीं कर सकते, राइट, तो बेसिकली फिर वो कहते हैं कि लाइक मेरे को मैथ्स नहीं आती, तो क्या सब्जेक्ट लेनी चाहिए मेरे को और क्या होनी चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर नॉन टेक्निकल साइड क्या होता है कि आपको लाइक मे बी यू डोंट नो दैट मच मैथ्स, और मे बी यू आर नॉट दैट मच अ प्रोग्रामर या कोडर, राइट, और ऑल्सो शायद आपका लॉजिक भी नहीं बनता हो, बट आपने करा है M2,
सर्टिफिकेट दैट इज M2 एंड S2 मैथ्स 2 एंड स्टैट्स 2, साथ में मैथ्स 1 भी कर रखा है आपने, स्टैट्स 1 भी कर रखा है। तो नाउ ये जो कंप्लेन था कि मेरे को मैथ्स नहीं आती, ठीक है, वो वाला कंप्लेन यहाँ पर रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि जितना मैथ्स आपको चाहिए था, ठीक है, द BSc लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, वो आप पढ़ चुके हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एंड स्टैट्स टू मैंने पढ़ा रखा है, तो मैं इसमें तो श्योर हूँ कि लाइक आपने पढ़ा ही होगा अगर मेरे से पढ़ा है तो, ठीक है। देन बात कहूँ, कई लोग बोलते हैं कि मेरे को कोडिंग नहीं आती, ठीक है, तो यू हैव द फाउंडेशन ऑफ पाइथन, ओके, ऑल्सो यू हैव स्टडीड CT फॉर दिस पर्टिकुलर, जिसको कहते हैं हम लॉजिक बिल्डिंग, हमें नहीं आती, ठीक है, आपने CT पढ़ा है, आपने सूडो कोड्स पढ़ा है कि कैसे मेरे को किसी प्रोग्राम का सूडो कोड लिखना है। सूडो कोड क्या होता है कि बेसिकली कैसे स्टेप बाय स्टेप मेरे को उसको प्रोसीड करना है, राइट, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। नाउ द थिंग इज कि हमने अभी जस्ट रिसेंटली ख़त्म किया है मैथ्स 2 एंड स्टैट्स 2, ठीक है, हमारे पास अभी कॉन्सेप्ट फ्रेश हैं, सारी चीज़ें हमारे पास फ्रेश है। सो व्हाट आई सजेस्ट, ठीक है, कि आपने अभी जस्ट मैथ्स 2 स्टैट्स 2 कंप्लीट करा है, देन टेक MLF बिकॉज दिस इज द मिक्सचर ऑफ मैथ्स 2 एंड स्टैट्स 2, ठीक है, ये क्या है, मिक्स एकदम, आई गेस 5 to 6 वीक्स वही पढ़ेंगे जो हमने मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 में पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो इट इज़ द मिक्सचर, ठीक है, तो आपको इसमें करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड यू आर लाइक आधी चीज़ें आपको पता होंगी, बस थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, राइट। देन बात करूँ मैं, DBMS एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने अभी क्या पढ़ा है, अभी आपने करा है पाइथन भी करा है, ठीक है, सो DBMS इज थोड़ा सा जस्ट लाइक पाइथन ही एक है, उतना ही डिफिकल्टी है, नॉट ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। सो DBMS दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है DBMS के, अगर आप SQL पढ़ लेते हो, सीख लेते हो डेटाबेस, तो एक SQL डेवलपर एक पोजिशन भी है जो आप लाइक यू कैन अप्लाई फॉर, राइट। सो ये देन हमारे पास क्या है, PDS है, तो हमने पाइथन जितना भी पढ़ा है, ठीक है, तो उससे कॉम्प्लेक्स, उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जिसको हम बोलते हैं पाइथन का कोर्स का नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारा PDS है, ठीक है। इसको भले ही लाइक रेटिंग ज़्यादा दिया गया है, बट ये क्या है, PDS का एक लेट्स से अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें आपको पाइथन थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, पाइथन में कैसे चीज़ें काम कर, कैसे लिस्ट काम कर रही है, कैसे ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, और कंपनीज में इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है ना, इसी पे आता है मोस्ट ऑफ द चीज़, ये आती है आपको, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो अभी आप ले सकते हो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी फ्रेश हैं, ठीक है, पाइथन आपको फ्रेश है, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप कर लोगे अगर पाइथन आपका फ्रेश है, पाइथन आपको आता है नहीं आता है, अभी छुट्टियां चल रही हैं, उस पर आप पाइथन पे फोकस करो ताकि ये कर सको, ठीक है। PDS से अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप ये बेसिकली क्या है, पाइथन और CT का फुल मिक्सचर, एकदम बहुत तगड़े लेवल पर मिक्स है, ठीक है, एंड MLF इज टोटली मैथ्स 2 एंड स्टैट्स 2, ठीक है। तो ये जो चार सब्जेक्ट्स हैं ये आप अभी कंसिडर कर सकते हो इन द फर्स्ट टर्म के, आप लेके इसको निपटा सकते हो, ठीक है, और इसके बाद लेकिन मतलब इसके बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जो आप कहोगे ना कि लाइक मेरे को मैथ्स नहीं आती या स्टैट्स नहीं आता, ये सब चीज़ें, तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें नहीं होंगी, ठीक। देन मैं फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना रहा था, ठीक है, कि मैं क्या सजेस्ट करूँ, ठीक है, ताकि वो सबके लिए अच्छा हो, ठीक है। देन मैंने ये IIT जो ने जो सजेस्ट करा है, ठीक है, तो उसको भी मैं देख रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई करा, मैंने बनाने का ट्राई करा कि मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, मैंने बनाए भी, ठीक है, बट द थिंग क्या हुआ कि जो मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए, ठीक है, वो एग्जैक्ट सेम निकले जो IIT ने पहले ही रिफ़र कर रखा है दैट कि आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। सो मैंने ट्राई करा कि ये बनाने का, ठीक है, तो पर्टिकुलर 4 टर्म्स का मैं बनाया था क्योंकि मैं भी 4 टर्म्स लेने वाला हूँ, ठीक है, तो एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज़ जो यहाँ पर दी हुई है यही मैंने भी कंसीडर करा जब मैं बना रहा था कि किसको कैसे क्या लेना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल वे कि आप प्रोसीड करो, ठीक है, डिप्लोमा को, ठीक है, क्योंकि इसमें वही सेम चीज़ें, सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के दिया गया है, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर मैं 4 टर्म्स की बात करूँ, ठीक है, हम उस ऊपर वाले टर्म्स में भी आएंगे, पहले हम 4 टर्म्स की बात करें, तो सबसे पहला क्या कहें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि आपका पाइथन फर्स्ट है, ठीक है। देन MAD1 की थियोरी इज समथिंग जो आपको लेट्स से प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमें लाइक रिज्यूमे भी बनानी है, राइट, तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स भी चाहिए होंगे, तो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट भी चाहिए होंगे, ठीक है, कि हम कैसे वेबसाइट वगैरह बनाएं, तो MAD1 इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दोज थिंग, ठीक है। सो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। MLF जैसे कि मैंने बताया कि मैथ्स 2 एंड स्टैट्स 2 जब जस्ट हमने फिनिश करा है, तो MLF इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है, एंड PDS अगेन पाइथन का अपग्रेडेड वर्जन, ठीक है। नाउ
मैथ्स वन, जब जैसे मैड वन थियोरी कंप्लीट होती है मैड वन का प्रोजेक्ट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट इसका अपग्रेडेड वर्जन दैट इज मैड टू वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आता है बीडीएम की थियोरी, बीडीएम की थियोरी एंड उससे उसके बाद आता है एमएलटी, एमएलटी को थोड़ा हार्ड रेटिंग मिला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बीडीएम में हमारे पास क्या है कि बीडीएम में हमारे पास सिर्फ एन टर्म होता है, हमारे पास क्विज वन एंड क्विज टू नहीं होता, राइट। सो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एमएलटी के साथ, ठीक है। तो ईजिली हो जाएगा क्योंकि हमें फिर क्या करना है क्विज वन एंड क्विज टू इसमें तीन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा, राइट। और ये हमारा प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट लेके आप मैड वन कर चुके हैं तो प्रोजेक्ट आप धीरे धीरे कर लोगे, राइट। मेन हमारा बचेगा क्या, मैड टू की थियोरी, बीडीएम की थियोरी और बीडीएम पढ़ना क्योंकि यही है आपको जो यूज़ कैसे जो कहते हैं ना कि केस स्टडीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। तो यही चीज़ है एमएलटी, इसको तुम कह सकते हो कि हाँ ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको तुम सेपरेट वो दे सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर फोकस आप क्या करोगे कि मैड टू और MLT को हम साथ में निकालें। देन क्या आता है मैट टू हमने थियरी पढ़ लिया है, सारे एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो उससे फिर प्रोजेक्ट्स में बना लेंगे, तो MAD का सेकंड प्रोजेक्ट, ठीक है। BA बिजनेस एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, यू नो बेटर, राइट। देन BDM का प्रोजेक्ट, BDM का प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, BDM के प्रोजेक्ट में हमें किसी स्टोर को जाना है और वहाँ पे डेटा उनसे रिक्वेस्ट करने की, मेरे को डेटा मिल जाए, है ना, अपने स्किल्स को दिखाना, कन्वर्सेशनल स्किल्स को उनसे डेटा लेना है, उसके बाद उसको एनालिसिस करके उनके बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। यही काम है। तो मैं रिकमेंड करूंगा क्या कि जब आप बीडीएम की थ्योरी करो तो आप डेटा के सर्च में भी लग जाओ, ठीक है, ताकि आपको डेटा मिल जाए अगले टाइम, अगले टर्म आप क्या करो डेटा के साथ अपना प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर दो तो अंत हो जाएगा काम, राइट। देन एमएलपी, एमएलपी एज इट इज द सक्सेस, तो देख रहे हो यहाँ पे हम लैडर चल रहे हैं, ठीक है, एमएलएफ के बाद एमएलटी, एमएलटी के बाद एमएलपी, तो दिस इज ए कंटिन्यूस वे, तो आप एकदम कनेक्टेड चलोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर सेम वही चीज़ कहूँ मैड वन के बाद मैड टू, मैड टू के बाद मैड टू का प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड उसके बाद जावा, जावा इज वन ऑफ द फंडामेंटल, जैसे पाइथन है हमारा, तो पाइथन जावा को मैंने इसीलिए लास्ट में कंसिडर करा है, यहाँ आइटम में भी लास्ट में कंसिडर करा है क्योंकि जावा एक डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। सो जावा करना जरूरी है, लेकिन क्या है क्योंकि हम शुरू से पाइथन के फ्लो में आ रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे पाइथन वाली सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, ठीक है, देन जावा पे सेफ्ट होंगे। तो जावा के साथ हमारे पास सिस्टम कमांड भी पढ़ना है, सिस्टम कमांड बेसिकली लिनक्स को कैसे अप्रोच क्या कहते हैं ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो ये इसके साथ एक बेटर कॉम्बो है, और टूल्स फॉर डेटा साइंस इज समथिंग जो आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है जब आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स डेटा साइंस के होंगे जो कि MLF, MLT एंड MLP में हो जाएगा, ठीक है। देन टूल्स फॉर डेटा साइंस, जो सब क्या है कि जो पर्टिकुलर चीज़ हम कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं उसको हम टूल्स के हेल्प से कैसे आसानी से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। एंड MLP का प्रोजेक्ट, देन अगेन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर रोड मैप है हमारा, ठीक है, जो हमारे IIT ने सजेस्ट करी है, इट इज़ द बेस्ट रोड मैप जो मैं कह सकता हूँ। इसमें हाँ थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेट्स से PDSA को तुम बाद में शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे, ठीक। तो इसमें कुछ चीज़ें तुम कर सकते हो, जैसे कि ये दो हैं इनको तुम शिफ्ट कर सकते हो, आपस में स्विच कर सकते हो, ठीक। MLF मैं कहूँगा कि MLF तुम फर्स्ट टर्म में जरूर लो क्योंकि MLF इज M2S2 का सक्सेसर और वो तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर अभी ले लेते हो, बाद में लोगों ये डिफिकल्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करना और ट्राई करना कि MLF, MLT, MLP एक सीरीज में चलो, ठीक है। PDSA को स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आते, और ये बाकी जो ये है, ठीक है, बाकी जो सारी चीज़ें जो अरेंजमेंट है दैट इज़ परफेक्ट, ठीक है। इसमें कोई चीज़ चेंजेस नहीं करना चाहूँगा मैं भी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा EVDM का प्रोजेक्ट है, अगेन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स करने थोड़े से लाइक टाइम देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने थियोरी में पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसी को इम्प्लीमेंट करने तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा कि कैसे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सबमिट करेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है उसमें भी, ठीक है। बट दिस पर्टिकुलर रोड मैप इज़ गुड, मोर देन इनफ, ठीक है, तो इसको कंसिडर करो। नाउ जो कुछ लोगों का सवाल रहता है कि मैं सिर्फ डिप्लोमा करना चाहता हूँ या सिर्फ लाइक डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ या फिर सिर्फ डिप्लोमा इन डेटा साइंस करना चाहता हूँ, ठीक है। सो उसका भी IIT ने जो सॉल्यूशन दिया, जो रोड मैप दिया, दैट वाज आल्सो एक्यूरेट, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि इन्होंने, देखो अगर मैं एक चीज़ समझूँ, ठीक है, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग का है, ठीक है, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग का। सो इसमें देखो अगर मैं चार टर्म्स का कंसिडर करूँ, ठीक है, चार टर्म्स का, सो मेरे को पता है कि ये दो चीज़ें हैं तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वन ईजी वन हार्ड, ठीक है। सो मैड वन थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, डीबीएमएस का हुआ है, ठीक है। देखो PDSA एंड AppDev 2, दीज आर सम थिंग जो कि तुम्हें थोड़ा सा
टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। तो इसमें तुम कुछ सीरियस स्विच कर सकते हो, जैसे कि ऐप डेव वन है तुम्हारा DBMS, ठीक है, एंड ऐप डेव टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप तुम PDF से करके मैं ऐप डेव वन का प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही करके तुम मतलब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें चेंज करना चाहिए कुछ भी। यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी हैं एब्सोल्युटली परफेक्ट है, ठीक है। अगेन सेम यहाँ पे देखो टर्म थ्री में भी इन्होंने सजेस्ट किया है कि DBMS करो, क्योंकि पाइथन का एक थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन है और डैट इज़ ओके और OPE भी है इसमें, है ना। देन तुम्हारा क्या है ऐप डेव वन ऐप डेव टू की थियोरी एंड PDS है, ठीक है। तो PDS से एंड ये करना होगा, दो सब्जेक्ट्स तुम्हें यहाँ पे ही, तो ये करके तुम बेसिकली दो टर्म तीन टर्म ये तुम्हारा सेपरेट क्या है प्रोग्रामिंग वाला। सिमिलरली यहाँ पे सेपरेट तुम्हारा डिप्लोमा का भी है, ठीक है। MLF के बाद MLT, MLT के बाद MLP, ठीक है। यही ये जो है ना फ्लो, और ये मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। हालांकि तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, बट आई थिंक ये रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे तुम क्या करो कि इधर से BDM को उठा लो, इधर कर लो, और BDM का प्रोजेक्ट यहाँ से ऐसे कर लो, ठीक है। और इसको यहाँ पे इसको बेसिकली लेटर में ही ले आओ, ठीक है। MLF के बाद MLT, MLT के बाद MLP, ठीक है। तो MLP का थियोरी एंड प्रोजेक्ट MLP यहाँ पे करोगे, देन MLT आ जाएगा, ठीक है। तो उसके करके तुम प्रोजेक्ट एंड थियोरी को भी एक साथ ले सकते हो, ठीक है, वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बेसिकली चीज़ क्या हुई है कि ये वो तरीका है लाइक सेपरेट करने का, ठीक है। बट अगर कंबाइन करना चाहते हैं लोग, दोनों को कंबाइन करना चाहते, तो दोनों को इक्वल वेटेज देना होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो DS का लेट्स से फोर टर्म में क्या कह रहा है MLF एंड BDM, एंड यहाँ पे क्या है ऐप डेव वन एंड DBMS, तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखो शो करेगा, ठीक है। DBMS ऐप डेव वन एंड MLF एंड PDS, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली दोनों को कंबाइन करा है। तो यहाँ पे देखो PDS से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लास्ट में रखा है, बट यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने पहले रख रखा है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन, थोड़े बहुत ट्विक्स हैं जो तुम करके बेसिकली अपने आप को मतलब जल्दी जल्दी तुम कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ठीक है, जब दो टर्म की बात करते हैं तो ये आ जाता है, PDS से अगर तीन टर्म्स में आता तो PDS से थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, है ना। तो यही चीज़ है, ये तुम्हारा जो है बेस्ट वे है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। तो इसको तुम कंसिडर करो। इसके अलावा जो बाकी कुछ कह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक दो सब्जेक्ट्स को तुम इधर उधर कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया ना कि PDS है, तो PDS को तुम फर्स्ट टर्म में कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई गेस DBMS है ही, तो फिर फर्स्ट टर्म में तुम PDS मत ही कंसिडर करो, ठीक है। बट इट्स अप टू यू, ठीक है, तुम क्या करना चाह रहे हो। बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि या तो तुम चार टर्म्स में करो, ठीक है, चार टर्म्स है तुम्हारे पास, या फिर पांच। तुम मोस्ट लाइक कन्वीनियंट वे, सबसे आसान तरीका कि तुम ये फॉलो करो, ओके। नाउ एक और चीज़ जो बहुत लोगों ने पूछा है, जो कि होते हैं कॉलेज वाले, अभी डुअल डिग्री वाले, ठीक है, डुअल डिग्री वाले क्या करें। सो अगर तुम आते हो प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से, ठीक है, लेट्स से BTech वाले हो तुम, ठीक है, या BSc कंप्यूटर साइंस वाले हो, ये सब, ठीक है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि तुम सबसे पहले क्या करो, इस पे ज़्यादा फोकस करो प्रोग्रामिंग पे, ठीक है, और डिप्लोमा पे थोड़ा ये डेटा साइंस पे थोड़ा सा कम करो, ठीक है। रीज़न, तुम्हारे जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में है ना, वो ऑटोमेटिक तुम्हारा अब शायद MLF वगैरह आने लगा है, तो मशीन लर्निंग पढ़ाने लगे वो, ठीक है। तो इसको तुम बाद में कंसिडर करो, लेकिन पहले तुम क्या कंसिडर कर सकते हो, जो प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हैं, ताकि तुम्हारा वहाँ पे जो अभी जो तुम इधर करोगे, ठीक है, एंड जो तुम अपने कॉलेज में कर रहे हो ऑफलाइन कॉलेज में, तो दोनों का बैलेंस तुम्हारा बना रहेगा, ठीक है। सो इसीलिए तुम प्रोग्रामिंग को पहले कंसिडर कर सकते हो और डिप्लोमा को बाद में, बट मैं क्या कहूँगा कि थोड़ा बहुत मिक्स करके चलो, ठीक है। लेट्स से ज़्यादा तो हैं, और उनको मैं लाइक फोर टर्म्स वाला रिकमेंड नहीं करता जिनके पास कॉलेज है, ठीक है। मैं आइदर रिकमेंड कि तुम ये करो थ्री, बेसिकली टू टर्म्स वाला रिकमेंड नहीं करता, आइदर तुम थ्री टर्म्स में करो या फोर टर्म्स में करो। सबसे बेस्ट यही है, तुम ये फाइव टर्म्स का प्लान, जो फाइव टर्म्स वाला है उसको तुम करो, ठीक है। फाइव टर्म्स इज गुड इनफ, कर लोगे। अगर उससे भी ज़्यादा, अगर तुम्हें ज़्यादा लाइक हैवी हो जाता है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बट आई गेस फाइव टर्म्स डूएबल, ठीक है। सिक्स टर्म्स भी है, अगर तुम्हें लाइक उधर का ज़्यादा लोड है तो तुम सिक्स टर्म कंसिडर करो। सेवन टर्म्स ही बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, तो ये कंसिडर कर सकते हो, ओके। अगेन वही सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो डिफिकल्टी है देख सकते हो, PDSA की डिफिकल्टी क्या है, 4.4 है, MLT की ये है, और ये सब देखो नीचे वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनकी डिफिकल्टीज़ यहाँ है, ठीक है। तो BDM थियोरी, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है हमारा OP वो नहीं है, क्विज वन एंड क्विज टू नहीं है, ठीक है। TDS में हमारे पास ROE है, ROE थोड़ा सा लाइक पता नहीं क्यों मेरे को सुनने में आया बहुत बार कि ROE थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। सो इसको तुम थोड़ा सा वो करो, डिले करो, ठीक है, और ट्राई करो क्या एक
एक हार्ट एक ईजी, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है, एक हार्ट तो एक ईजी, ठीक है, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाओ और ऐसे करके चलो ताकि तुम्हारा हो जाएगा। बट बेस्ट वे इज दैट कि ये करो, ठीक है, यही वाला सेम टेक्निक ये फॉलो करो, ठीक है, इट इज़ द बेस्ट 4 या 5 टाइम, ठीक है। देन वट आई विल बी टेकिंग, दिस मैड वन थियरी प्लस प्रोजेक्ट, ठीक है, देन बी डी एम की थियरी, एम एल एफ एंड डी पी एम एस, ठीक है। एम एल एफ क्यों? क्योंकि मेरे को इसकी वीडियोज़ भी बनानी है एंड क्योंकि मैंने एम टू भी करा है अच्छे से, एस टू भी करा है मैंने अच्छे से, थोड़ा सा मैंने एम एल एफ का सिलेबस भी देखा है, तो इट इज़ गुड इनफ कि मेरे को आधी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं, ठीक है। डी वी एम एस थोड़ा प्रोग्रामिंग साइड है और डी वी एम एस इसीलिए भी क्योंकि मेरे को थोड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, तो डी वी एम एस आई विल बी कंसिडरिंग, क्योंकि इसमें मेरे को जब हम डेटा को स्टोर करना सीखते हैं इसमें, राइट, कि डेटा बेसिस में स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मेरे को डी वी एम एस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैड वन की थियरी मेरे को आती है ऑलरेडी, मैड वन का प्रोजेक्ट मेरे को करना है, ठीक है, इसीलिए। सो ये मेरा है, ठीक है, आप अपना हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसमें, बट वही है, स्टिक टू दैट, है ना। जैसे कि मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने मैड वन का प्रोजेक्ट लिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं पी डी एस से कंसिडर करूँगा ऑलवेज, राइट, ठीक है। तो मैंने बस थोड़ा बहुत जैसे कि अपने हिसाब से इसको चेंज कर लिया है ना। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे जस्ट मैड वन की थियोरी हमारे पास है, मैंने क्या करा, बस मैड टू के मैड वन का प्रोजेक्ट इसको इधर कर दिया, ठीक है, पी डी एस से मैंने इधर कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे करके तुम कर सकते हो और कोई कन्फ्यूजन मत रखो अपने पास। बाकी तुम क्या ले रहे हो ये मेरे को नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है, और हम ट्राई करेंगे कि एक बेसिकली मैंने क्या सोचा है कि मैं एक नीचे एक जी फॉर्म अटैच करूँगा, ठीक है। सो बेसिकली आई एम मेकिंग अ ग्रुप, ठीक है, जिसमें मैं एम एल एफ के स्टूडेंट्स जो एम एल एफ ले रहे इस बार, ठीक है, वो रहेंगे, लेकिन उनमें भी क्या है, एक क्राइटेरिया है कि वो बेसिकली नॉट, वहाँ कोई आंसर्स नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते, ठीक है, बेसिकली क्या है कि डाउट्स, ठीक है, डाउट्स सॉल्व करने वाले, ठीक है, जो लाइक कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, जिनको लगता है कि हाँ वो करेंगे डाउट सॉल्व, वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसा लाइक स्टूडेंट ग्रुप चाहता हूँ जहाँ पे हम बेसिकली अपने डाउट्स को रखें और हम सॉल्व करें, ठीक है, सबको मिक्स करके, ठीक है। तो मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है, तो आप उसको भर के और सबमिट करना, फिर मैं क्या करूँगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। मेक श्योर कि आपका प्राइवेसी जो ग्रुप एडिंग का है वो आपका वो रहे, ऑन रहे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।